गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी विल रीड द पोएम अ हाउस अ होम. द पोएट नेम इज लोरेन एम हाली. हियर एम मीन्स मार्था, एम ए आर टी एच ए मार्था. ही वॉज बोर्न इन 1921. सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम? Yes, I will tell. In this poem, the poet has tried to define the differentiate between a house and a home. देख बच्चे, difference होता है एक house में और एक home में. यहाँ पर हमें ये poet differentiate कर रहे हैं कि एक house और एक home में क्या difference है. He says that a house is made of bricks, stone and hardwood and has roof and tile floors. एक हाउस वो होता है जिस जो ब्रिक्स से यानी ईंटों से, पत्थर से या मजबूत लकड़ी से बना होता है और जिसकी एक छत होती है, डेकोरेटेड होता है पूरा, और फ्लोर्स जो उसके होते हैं वो टाइल्स के बने होते हैं, फ्लोर्स यानी फर्श. बट अ होम इज द अनदर नेम फॉर लविंग फैमिली मेम्बर्स हु टेक केयर ऑफ ईच अदर एंड वर्क सेल्फलेसली. एंड दूसरी तरफ जो होम क्या होता है, एक फैमिली मेम्बर्स का मिलकर, फैमिली मेम्बर से मिलकर बनाया हुआ एक घर जहाँ सिर्फ प्यार होता है, जहाँ सेल्फलेसली काम किया जाता है, जहाँ ये नहीं सोचा जाता कि वो अगर मेरे लिए काम करेगा तो मैं उसके लिए काम करूँगा. यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ सब एक दूसरे से शेयर करते हैं सब चीज़. सो नाउ वी विल रीड द डिफरेंस एंड फुल पोएम विद एक्सप्लेनेशन. यस, वॉट इज अ हाउस? वॉट इज अ हाउस मीन्स अ हाउस. हाउस मीन्स मकान. मकान क्या है? इट्स ब्रिक एंड स्टोन. ये किससे बना होता है? ब्रिक एंड स्टोन. ब्रिक यानी ईंटे एंड स्टोन यानी पत्थर. एंड वुड दैट्स हार्ड. एक हार्ड लकड़ी से बना होता है, मजबूत लकड़ियों से बना होता है. सम विंडो ग्लास. और इसके जो ग्लास यानी विंडोज होती हैं वो कांच की बनी होती हैं. एंड परहैप्स अ यार्ड. और परहैप्स मीन्स पॉसिबिलिटी, शायद. यहाँ वो मतलब एक परहैप्स मे बी में उसको ले रहा है पोएट, तो कह रहा है कि शायद वहाँ एक आंगन भी होता है. इट्स ईव्स एंड चिमनीज. ईव्स होती हैं छज्जा. ये जैसे आप एक हट बनाते हैं, हट में एक ऊपर से इस टाइप से ऐसे बनाते हैं, ये होता है ईव्स. इसकी मैं आपको पिक भी सेंड करूंगी. तो चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स. और उसके जो फ्लोर्स हैं वो टाइल्स के बने होते हैं. एंड स्टूको प्लास्टर यानी प्लास्टर. जैसे अब बारीक बारीक सीमेंट लगी होती है सीमेंट के ऊपर, फिर उसको कलर करते हो, ऐसे डेकोरेट करते हो. एंड रूफ. और इसकी छतों पर सारा प्लास्टर किया होता है. एंड लोड्स ऑफ डोर्स. और इसके बहुत सारे दरवाजे होते हैं. तो बेटा, व्हाट इज अ हाउस? हाउस क्या होता है? ब्रिक्स और स्टोन का बना हुआ, एक हार्ड वुड यूज की गई, और विंडोज कैसी होती हैं, ग्लास की बनी हुई, और एक आंगन भी होता है. ईव्स एंड चिमनीज. चिमनीज मीन्स जहाँ से धुआं बाहर निकलता है, ठीक है, जहाँ से धुआं बाहर निकलता है. और छज्जे बने होते हैं, टाइल्स के फ्लोर्स जो है टाइल्स के बने होते हैं उससे. एंड स्टूको एंड रूफ एंड लोड्स ऑफ डोर. और रूफ जो है प्लास्टर सारा किया होता है उसके ऊपर, और बहुत सारे डोर्स होते हैं. लोड्स ऑफ मीन्स बहुत सारे. एंड ऑन द अनदर हैंड, और दूसरे स्थान पर हम क्या कह सकते हैं कि व्हाट इज अ होम? डिफरेंस अ हाउस एंड अ होम. हाउस मीन्स मकान एंड दूसरी तरफ होम मीन्स घर. नाउ वी विल रीड अबाउट होम. व्हाट इज अ होम? होम मीन्स घर. इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. ये फैमिली के प्यार से बनता है, जहाँ सब एक दूसरे के लिए, फॉर अदर्स, अदर्स यानी अन्य के लिए, हम एक सभी जो भी मेंबर्स हम घर में रह रहे हैं उन सभी के लिए हम काम करते हैं. एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर एंड फादर्स एंड मदर्स. और इसमें कौन कौन होता है? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ये सब इंक्लूड होते हैं. इट्स अनसेल्फिश एक्ट. और यहाँ जो भी कार्य किया जाता है बिना किसी सेल्फिशनेस के किया जाता है, मतलब कोई सेल्फिशनेस नहीं होती बीच में. एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग. और यहाँ सब हम घर में सभी एक दूसरे के साथ मिल बांट कर चीजें खाते हैं.
एंड शोइंग यू आर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग, और हमेशा अपने अपने से बड़ों को और अपने से छोटों को हमेशा आप ये दिखाओ कि आप उनकी हमेशा केयर करते हो। तो एक हाउस और एक होम में क्या डिफरेंस है? हाउस में तो सब ऐसे बना, तो होम भी ऐसे होता है, बट ये सिर्फ एक मकान टाइप।